वेलकम बैक टू अनदर वीडियो दोस्तों, मैं निजाम आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल क्रिप्टो इनकम पर। यूएफओ गेमिंग दोस्तों एक अंडररेटेड प्रोजेक्ट रहा है दोस्तों, कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो मिक्स रिव्यूज़ भी रहा है लोगों का इसको लेकर। काफ़ी लोग एक्साइटेड भी है, काफ़ी लोग इन्वेस्टेड भी है, काफ़ी लोग DCA किए हैं, काफ़ी लोग बेनिफिट में भी है, लेकिन कुछ लोगों का यहाँ पर मानना है कि ये एक डेड कॉइन है। कुछ लोग यहाँ पर नेगेटिविटी में हैं, कुछ लोग नेगेटिव सोच रहे हैं, बट कहीं ना कहीं UFO गेमिंग ने उन सभी को मुँह तोड़ जवाब दिया। और जो ये बाउंस बैक किया है क्रिप्टो मार्केट ने, BTC ने $35,000 का जैसे ही आंकड़ा टच किया दोस्तों, UFO गेमिंग के अंदर भी एक बड़ा सा भूचाल आया। और न्यूज़ अपडेट्स तो आती ही रहती हैं, बट कहीं ना कहीं एक तगड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला है। और जो इसके हेटर्स थे ना, उसकी बोलती को बंद कर दिया। वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा, सारा कुछ डिटेल में आपको मिलेगा इस वीडियो के अंदर। पहली बार चैनल पर आएँ, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कुछ करके टेलीग्राम चैनल मस्ट जुड़िए, फॉलो करना, सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। UFO गेमिंग ऑलरेडी आपको पता है, मैं बार बार बता चुका हूँ कि एक गेमिंग प्रोजेक्ट है और कहीं ना कहीं इसका खुद का गेमिंग ब्लॉकचेन भी है जो लोगों को प्रोवाइड करता है। सुपर ग्रेस्टिक इसका एक मेटावर्स प्ले टू अर्न गेम है जो जिसको बिल्ड किया जा रहा है। काफ़ी जल्दी दोस्तों, काफ़ी जल्दी हम सबके सामने ये होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। और इसको लेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट मार्केट के अंदर बना हुआ है। और अभी रिसेंट के अंदर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, UFO गेमिंग का जो है एक नया यहाँ पर अपडेट निकल के सामने आया है। जो चीज़ें ये बिल्ड कर रही है उसके अंदर एक नई चीज़ों का निजात किया जा रहा है, और हमेशा ही अपडेटेड रहता है और अपडेट करता ही रहता है हम सबको, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। और यही वजह है जो आज के टाइम में ये इतना डंप जाने के बाद भी इतना अच्छा खासा बाउंस बैक किया, इतना अच्छा खासा पंप किया कि जो भी इसके होल्डर्स थे ना, उसको यार अच्छा खासा बेनिफिट दिया। 150% ऑलमोस्ट पंप हुआ, मैं दिखाने वाला हूँ। अभी जो है 14% से पंप है ऑलमोस्ट, काफ़ी अच्छा ऊपर जा रहा है दोस्तों। 7 डेज के अंदर देखोगे तब भी ऊपर ही चार्ट बना रहेगा, 1 महीना का अगर आप देखोगे तो और भी ज़्यादा क्लियरली आपको दिखेगा कि जहाँ 55-56 पे चल रहा था और आज 11 यानी 2 गुना से ज़्यादा का प्रॉफिट दिया। 100% सर्कुलेशन सप्लाई, टोटल सप्लाई जो है सर्कुलेशन बन चुका है, यानी कि टोटल सप्लाई मार्केट के अंदर उतर चुका है। 97% अभी भी ऑल टाइम हाई से ड्रॉप है, जो कि बुल रन के अंदर था, ऑल टाइम लो भी भाई उसी टाइम में था। तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी, मैं बार बार बोलता हूँ अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करो। 67,000 से ज़्यादा लोग अभी भी जुड़े हुए हैं, है ना। बट मैं क्या बता रहा हूँ, अपॉर्चुनिटी दिया इन्होंने, काफ़ी नीचे 55-54 के अराउंड गया, लोग इसको छोड़ते रहे और एक ही बार जो इसके अंदर भूचाल आया तो भाई 150% का प्रॉफिट लोगों को दिया, जो कि अनबिलीवेबल है और काफ़ी अमेजिंग भी कह सकते हो दोस्तों। अब जो ये तो भाई ग्रीड में स्ट्रॉन्ग बाय, अब ये इतना ऊपर आ गया कि अब मैं नहीं अभी रिकमेंड करूँगा कि अभी प्रेजेंट टाइम में बाय करो, अभी बस वेट करो दोस्तों, क्योंकि काफ़ी ऊपर आ चुका है। रिसेंट में जब मौका था तो आपने बाय किया नहीं, देखते रह गए। मैंने इतना बार आप सभी को रिकमेंड किया, बताया कि बाय कर लो, DCA कर सकते हो, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देखो यार ये एक अलग लेवल पे काम कर रहा है, ये गेमिंग ब्लॉकचेन है, ये गेमिंग इंडस्ट्री का गेम खुद का बिल्ड कर रहा है। बिटगर्ट, get.io, कुकवाइन के ऊपर ऑलरेडी भाई देखो get.io के ऊपर लिस्टेड था, कुकवाइन बिटगेट रिसेंट के अंदर लिस्ट किया, जो भी छोटे छोटे एक्सचेंजेस भी थे उन्होंने भी लिस्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब जो है मेजर और बड़े बड़े एक्सचेंज बचे हुए हैं, वो भी आने वाले टाइम के अंदर आहिस्ता आहिस्ता जरूर इसको लिस्ट करेगा। और कहीं ना कहीं दोस्तों मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आने वाले बुल रन के अंदर 2 से 3 0, इवन 2 0 तो ईजिली किल कर सकता है जितना इसके अंदर पोटेंशियल, और 1 0 तो ऑलरेडी डिलीट किया है भाई। आप देख 540 का राउंड चल रहा था, अभी 1143 तो डिलीट किया है 1 0, और जो भाई ने उस टाइम में बाय किया होगा अभी उसका पैसा 2 गुना से भी ज़्यादा हो गया होगा। और यहाँ पर जितना ऊपर जाएगा उतना ज़्यादा उसको बेनिफिट मिलता जाएगा, है ना। तो ये नहीं है कि इन्होंने प्रॉफिट नहीं दिया और देने का मादा नहीं रखता, बिल्कुल देता है। जैसे ही मार्केट पंप करेगा, मार्केट के अंदर वॉल्यूम आएगा, भाई ये सबसे रेस लंबी रेस का घोड़ा है और लंबी रेस लगाएगा, लंबी छलांग लगाएगा, नो डाउट। जहाँ दोस्तों बट हमें और आपको क्या करना भाई, पेशेंस के साथ इसको होल्डिंग बना के रखना इसके अंदर, और नहीं बाय की हो तो वेट करना 600-700 के अराउंड जाने का, मे बी एक बार और जा सकता है, फिर आप बाय करना, ठीक है। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आपको देता रहूँगा अपने चैनल के थ्रू। आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो तो बेझिझक हमसे कमेंट के अंदर जरूर पूछिएगा। बाकी ऐसे मुझे हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को लाख से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कुछ करके टेलीग्राम चैनल मस्ट जरूर फॉलो करना, सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट मार्ग इतना ही, गुड बाय।